Apex Cybernetics को शुरू करते वक्त हमारा सपना था कि हम इसे इसकी ताकत से भी आगे ले जाएंगे. रोबोटिक्स, इंसानी दिमाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या पता अब हम किस नए निडर भविष्य का सपना देखेंगे. मैं हूं वॉल्टर सिमन्स और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एपेक्स को इंसानों के लिए एक नई युग में ले जा रहा हूं. हमने अपना हाथ बढ़ाया. अच्छा भैया, नहीं उसे मत खाना, वो सेहत के लिए खराब है. क्योंकि इसे जीएमओ ने उगाया है, मतलब जेनेटिकली उगाई चीज कैसी होगी आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं खुद इसे हैंडल नहीं कर पा रहा. बर्नी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए. क्या आप जानते हैं हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब एपेक्स क्या कर रहा है? तुम यहाँ आए ही क्यों? ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं है. पता है, पर वहाँ प्रोजेक्ट के लिए कुछ नई रिक्वायरमेंट्स की कैलकुलेशन चल रही है जिसमें टाइम लगेगा. गाड़ी कैलकुलेटर मोड पर है तो एक घंटा लगेगा या शायद ज्यादा भी. तो वोमेन ने कहा कि जाओ घूमो फिरो, नए दोस्त बनाओ. तो मैं आगे. अच्छा, ओ, अब हम दोस्त है तो तुम्हारे साथ कुछ शेयर करूं. एक सेकंड, यही कहीं है. बाय द वे, ये हैंड सैनिटाइजर है मेरे अपने गार्डन का, बहुत कमाल का है. ये खुली है पर अब तक मैंने यूज नहीं किया. ये लो, अब इसे देखो. ये यहाँ पर एक रेडियो मैच नेटवर्किंग है, साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग सब प्रोसेसर भी है. सोचो कहाँ से मारा होगा. मुझे नहीं सोचा. एक टोस्टर से. सच में एक टोस्टर से. ये देखो, ये सॉरी, मुझे बाथरूम जाना है. एक नंबर या दो नंबर, क्योंकि अगर दो नंबर है तो एप्पल की वजह से. अच्छा, जा रहे हो तो क्या तुम मेरा हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहोगे? नहीं नहीं, ठीक है, तो मैं यही टाइम पास करता हूँ. मॉनिटर देख. ये लोग हांगकांग क्या भेज रहे हैं और ये सब लेवल 33 क्या है? वो क्या रहा है? इस जगह को खाली करो. टाइटन की चेतावनी. ये मेरा टाइम पर मैं गेट पास ढूंढूं या अपनी जान बचाने की सोचूं? हमें यहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए. यो, ओके. Thank you.
यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की चौथी टुकड़ी को यूएस के साउथ ईस्टर्न सी बोर्ड पर तैनात कर दिया गया है। कल रात गॉडज़िला के अचानक हमला कर देने के चलते अब टाइटन को बचाने वाला कोई नहीं रहा। इस हमले में 8 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए हैं। गॉडज़िला, जिसे शांति दूत और हीरो माना जा रहा था, उसी ने पेंसाकोला फ्लोरिडा में हमला करके सबके विश्वास को तोड़ दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा तबाही यूएस हेडक्वार्टर के एपेक्स साइबरनेटिक्स में हुई है, फिर भी दुनिया भर की सरकारें कोई जोखिम नहीं खाना चाहती क्योंकि टाइटन को 3 साल बाद देखा गया है। सीईओ वाल्टर सिमेंस का ये कहना है, दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। गॉडज़िला इंसानों के लिए खतरा है और एपेक्स के पास एक मैन है, उसे हमेशा के लिए